डिस्कस करने वाले द इकोइंग ग्रीन इस पोयम के बारे में। ये लिखी है विलियम ब्लेक ने। तो चलिए इस पोयम की शुरुआत करते हैं। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, द मैरी बेल्स रिंग्स टू वेलकम द स्प्रिंग, द स्काई लार्क एंड थ्रश द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, व्हाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all slay. Such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sport no more seen on the darkening green. The sun does arise and make happy the skies. इसका मतलब है जब सूरज उगता है तो मानो जैसे जो आसमान है वो खुश हो जाता है। The merry bell rings to welcome the spring. मतलब कि जब चर्च की जो घंटियां हैं वो जब बजती हैं तो ऐसा लगता है कि वो स्प्रिंग सीजन का वेलकम कर रही है। The sky lark and thrush द बर्ड्स ऑफ द बुश। अब स्काई लार्क और थ्रश ये दो पक्षियों का नाम है जो बुश में रहती हैं। सिंग लाउडर अराउंड ये जो है बहुत जोर जोर से गा रही हैं। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड अब जो है घंटियों के साथ इनका जो जोर जोर से गाना है वो बहुत ही अलग लग रहा है और बहुत ही चीयरफुल साउंड बन रहा है। While our sports shall be seen on the echoing green. अब जो है यहाँ बताया जा रहा है कि एक echoing का मतलब होता है कि अलग अलग आवाजें, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि एक बड़े से हरे भरे मैदान में अलग अलग आवाजों के साथ जो पक्षियां गा रही हैं और चर्च की घंटियां बज रही है, ऐसे अलग अलग आवाजों के साथ बच्चे खेल रहे हैं। Old John with white hair मतलब एक यहाँ पर एक बूढ़े आदमी का जिक्र किया जा रहा है जिसके सफेद बाल है। Does laugh away care sitting under the oak among the old folk मतलब वो जो है वो उनपे ऐसे हंसता है और वो ओक के पेड़ के नीचे बैठा है और उनके साथ और भी बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे हैं। They laugh at our play and soon they all say such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green। यहाँ पर ये कह रहा है कि वो जो बूढ़े लोग थे जॉन और उनके साथ जो और बूढ़े लोग थे वो इन खेलते बच्चों पर हंसते हैं और कहते हैं कि वो क्या दिन थे जब हम सारे लड़कियां और लड़की अपने जवानी के वक्त में खुले मैदान में अलग अलग आवाजों के साथ बहुत ऐसे अलग अलग खेल खेलते थे जैसे बच्चे खेल रहे हैं। चिल द लिटल वंस वेयरी नो मोर कैन बी मैरी यहाँ बताया जा रहा है कि जब तक बच्चे थक जाते हैं जैसे ही बच्चे थकते हैं वो खेलना छोड़ देते हैं और उनका जो जॉय होता है खेलने का वो सब खत्म हो जाता है क्योंकि वो थक चुके होते हैं। वियरी मतलब थक जाना। द सन डज डिसेंड मतलब जब सूरज ढल जाता है एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड और जैसे ही सूरज ढलता है पूरे खेल का एंड हो जाता है। सारे बच्चे थक जाते हैं
उनका जॉय भी खत्म हो जाता है, सूरज भी ढल जाता है, तो खेलना भी बंद कर देते हैं उस वक्त। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यहाँ बताया जा रहा है कि जो कई भाई बहन हैं वो अपनी माओ के गोद में सर रखकर आराम करते हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, और यहाँ पे उन बच्चों को छोटे छोटे बर्ड्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है जो फिर थक हार के नेस्ट में सो जाते हैं, वैसे यहाँ बच्चों को उससे कंपेयर किया जा रहा है कि बच्चे थक हार कर उनकी माओ की गोद में सर रखकर सो जाते हैं और रेस्ट करते हैं। एंड स्पॉट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, अब जैसे ही अंधेरा हो चुका है पूरे ग्राउंड पर तो हमें कोई बच्चा खेलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से इस पोएम का एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।